प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हम सबकी चहेती और दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। महिला के सामने, एक औरत के सामने अगर किसी दूसरी औरत की आबरू लुटती है तो उस वक्त आपको मजहब या धर्म याद आएगा या अपनी जात की रक्षा याद आएगी, पहले ये बताइए शैला। अगर आपकी नजरों के सामने है ना, अगर आपकी नजरों के सामने किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 11 साल की हिंदू बच्ची का, किसी 50 साल की हिंदू औरत का, किसी 32 साल की हिंदू औरत का, या वॉट एवर एज लव्स औरत, अगर उसका कोई रेप कर रहा होगा, उसके आबरू को तार तार कर रहा होगा, क्या आप विरोध नहीं करेंगी? आप ये सोचेंगी कि ये हिंदू है, हमको इसके लिए बोलने की क्या जरूरत है? अगर अगर औरतें अपनी जात की नहीं हुई तो वो अपने इस्लाम की क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। औरत को अपनी जात का पहले होना पड़ेगा, वो अपने आप अपने इस्लाम की हो जाएगी। लेकिन जो दृश्य हमने देखे हैं, हिजाबनों ने जिस हिसाब से पकड़ करके, बाल नोच करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले हिंदू बेटियों की आबरू को लुटवाया है, ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और शर्म से नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान कहते हुए कि हिजाबन औरतें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आबरू लुटवा रही हैं अपनी ही जात का। तो आज मैं कहती हूं कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों को और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो जो किसी की, किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ना दीन की ना दुनिया की है ऐसी औरतें। अब आते हैं शैला ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन में भी हो सकता है तख्ता पलट, आ सकते हैं दोबारा ऋषि सोनक। अब आप सोच रही होंगी कि नाजिया जी क्या ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आ गई है। हाँ बिल्कुल, ये खबर तो हमने कहीं नहीं देखी, ये क्या बात हो रही है जी। एक तरफ से मोहम्मद यूनिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बंगला, मुझे लगता है बांग्लादेश के लोगों की अकल ठिकाने आ गई है अब, क्योंकि जो मोहम्मद यूनिस जो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, आज उन्हीं का ही तख्ता पलट हो रहा है, आज उन्हीं के लिए लोग रोड पे निकल रहे हैं, अवामी लीग एकदम से एक्टिव हो गई है, शेख हसीना एक्टिव हो गई है और मोहम्मद यूनिस ने तो इंटरपोल तक करवा दिया कि 196 मुल्क अगर भारत पे प्रेशर डालेंगे तो क्या पता मोदी जी शेख हसीना को वापस कर दे और हम इनके ऊपर केस पे केस डाले। बहुत गड़बड़ है जी इंडिया के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, बहुत बड़ी गड़बड़। ये जो जाली वजीर आजम है ना बांग्लादेश का, ये जो फर्जी फर्जी वाड़ा वाला वजीर आजम है ना मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ये एक नंबर का मतलब फर्जी और बेहुदा बदतमीज वजीर आजम है। इसको अच्छा। जैसे ही पता चला कि ये बहुत बड़े ट्रबल में ऑलरेडी जा चुका है, इसने सारे देश को कहा कि एकत्रित होकर के भारत पर प्रेशर डालो इंटरपोल के जरिया और शेख हसीना को हमें दो, हम उसको जेल भिजवाएंगे। क्यों भिजवाओगे? पहले रेजिग्नेशन दिखाओ ना, ताकत है अगर एक बाप का पैदा है मोहम्मद यूनुस तो सबसे पहले रेजिग्नेशन। हुआ क्या है शैला कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट, जो नीदरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी है, वहां पर शेख हसीना के मेयर जो रहा करते होते थे, जिसको अब तो हम पूर्व नहीं कह सकते हैं, फॉर्मर नहीं कह सकते क्योंकि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन ही नहीं है, उन्होंने जैसे ही वहां पर एक अर्जी डाली और 800 पेज का एविडेंस डाला, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया है। सारे एविडेंस यूएन से मैच कर रहे हैं, जो यूएन की टीम आई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए के हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार हुआ है, मंदिरें तोड़ी गई हैं, मंदिरों के अंदर भगवान की प्रतिमा तोड़ी गई है, हिंदुओं को जलाया गया है, हिंदुओं को मारा गया है और खास करके
ये जो नीदरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी है, इसने सबसे ज्यादा तवज्जा बार्बरिक वायलेशन अगेंस्ट वोमेन, इन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जा उस पर डाल दी है। अब मोहम्मद यूनुस को समझ में आ चुका है कि आने वाले नए साल में फतवा और अंडरवेयर पहन करके बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग का काम स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए अब ये उत्तेजित हो रहा है और शक्ल देखो कैसे बंदर जैसी है। मुझे तो लगता है बंदर इससे ज्यादा क्यूट लगता है मुझे, ये खड़े जहन्नमी दिखता है मेरे को मोहम्मद यूनुस। देखो मैं दिखाती हूँ इसकी शक्ल, इसकी शक्ल देखो, एकदम खड़े जहन्नमी मेरे को दिखाई देता है ये। इसके सामने अगर बंदर बैठ जाए ना तो हम लोग बंदर को थोड़ा बोलेंगे क्यूट है, ओह कितना अच्छा है, लेकिन ये तो मेरे को लगता है वो स्ट्रीट डॉग नहीं होता है जो नाले में पड़ा रहता है ऐसे करके और एकदम ऐसे करके झाड़ता है खुद को, वो लगता है मुझे। तो अब आते हैं ब्रिटेन पर। कट्टर हिंदू ऋषि सोनक का मोस्ट वेलकम हम नए साल में शायद कर सकते हैं और आई होप हर हर महादेव कि मेरी जुबान लग जाए। ठीक है, अभी तो ट्रंप ने ओथ लिया भी नहीं है और उनके जो डिप्यूटी जो बनेंगे प्रेसिडेंट उन्होंने भी ओथ नहीं लिया है, लेकिन ट्रंप ने तो अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं, वो तो जनवरी में 21 जनवरी को ओथ लेंगे, लेकिन काम तो स्टार्ट हो चुका है। हालिया में ट्रंप और जेडी वांस ने एक स्टेटमेंट दिया दोनों ने मिलकर के कि ब्रिटेन धीरे धीरे इस्लामिक देश बनता जा रहा है। अब लोगों में आलोचना स्टार्ट हो गई कि ट्रंप ने अभी ओथ भी नहीं लिया और ब्रिटेन को कह रहा है कि इस्लामिक देश हो रहा है। अब वहां से सारे लोग जो है वो सर्वे करने लगे कि आखिर उन्होंने ये बात कही क्या, क्यों, क्योंकि ट्रंप इज अ बिग ग्लोबल लीडर और जिस हिसाब से डीप स्टेट ने रिपब्लिकन ने मिल करके उनको जितवाया है, जिस हिसाब से एलन मस्क उनके लिए एकदम सामने खड़े हो करके सामने आए हैं, तो लोग आलोचना करेंगे और सर्वे करेंगे कि ट्रंप ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उसके बाद पता चला कि ब्रिटेन में चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में मोलेस्टेशन बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में रेप बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में इलीगल माइग्रेंट बहुत घुस रहे हैं। अब आप गूगल पे सर्च कीजिए ब्रिटेन मोलेस्टेशन विथ चाइल्ड, आप मतलब देखते देखते न्यूज को आपको सुबह फिर रात फिर सुबह हो जाएगा। ये साले जितने पाकिस्तानी घुसते हैं ब्रिटेन में, 6 साल की बच्ची को मोलेस्ट करते हैं, 7 साल की बच्ची को मोलेस्ट करते हैं, 11 साल की बच्ची को मोलेस्ट करते हैं, इनका यही काम है। इन मुसलमान ग्रूमिंग गैंग यही से तो निकले थे। अब इसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ये 5-5 लोग एक एक माइक ले लेते हैं और दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं डराने वाला, डराने वाली दाढ़ी रखते हैं, रुटंगा पैजामा पहन करके ये ब्रिटेन के रोड पर पार्क में मॉल में ये खड़े हो जाते हैं और लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट करते हैं, इस्लाम दावत इस्लाम करना स्टार्ट करते हैं। अब ब्रिटेन को जैसे ही ये बात पता चली है, पूरा सर्वे सामने आ गया है, अब तख्ता पलट होने के लिए सारी तैयारी हो रही है, ब्रिटेन की जनता को भी कट्टर हिंदू ऋषि सोनक दोबारा चाहिए। अब ऐसे में ही दिवाली में एक कांड ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने कर दिया, अब हो गया है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश पीएम स्कार्मर ने सोचा कि भाई ये गलती कैसे हो गई मेरे से जो मैं चर्चाएं आम पर आ गया। अभी हमारी दिवाली और दिवाली में ब्रिटिश नया पीएम प्राइम मिनिस्टर स्कार्मर ने क्या किया, दिवाली का आयोजन किया अपने घर पर और पीएम निवास में भी बंगलों में भी उसने आयोजन किया, दीप भी जलाया, पटाखे भी जलाए और भरतनाट्यम भी करवाया, कथक भी करवाया, इंडियन ट्रेडिशन को प्रमोट भी किया, लेकिन साथ में दारू और नॉनवेज सर्व करवा दिया। अच्छा, और ये हुआ हमारे हिंदू संस्कृति का धर्म भ्रष्ट। अब स्कार्मर ब्रिटिश जो पीएम नया बना है उसको ये जानना चाहिए था कि हिंदू अपनी भक्ति से पहले, हिंदू अपने पूजा से पहले, हिंदू अपने आराधना से पहले, हिंदू अपने अपने भगवान की प्रतिमा के पास दीप जलाने से 40 दिन पहले से अदरक लहसुन छोड़ देते हैं। नॉनवेज तो छोड़ ही दीजिए, नॉनवेज तो छोड़ ही, वो तो अदरक लहसुन छोड़ देते हैं। तो स्कार्मर को इतनी सी बात समझ में नहीं आई, उसने इंटेंशनली जिस हिसाब से हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का पूरा प्रोग्राम किया, नॉनवेज और दारू को
सर्व करवा करके ये पड़ेगा अब अभी के ब्रिटिश के पीएम को भारी। और अब जनता भी बाहर निकल करके इन्फ्लेशन पर बात कर रही है, पाकिस्तान से आए ग्रूमिंग गैंग और पाकिस्तान से आए बलात्कारी और जो छोटी छोटी बच्चियों में 6 साल की बच्चियों में औरत तलाश करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इलीगल माइग्रेंट को बाहर निकालने के लिए ब्रिटेन की जनता अब रोड पर आ रही है और तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में दो देशों का तख्ता पलट होगा नए साल में, एक है ब्रिटेन और दूसरा है बांग्लादेश। हम तो बड़ी फुलझड़ियां जलाएंगे, इस कार्मर और मोहम्मद यूनुस अपने पिछाड़ में सुतली बम बुझाएगा, इसके लिए वो लोग तैयार हो जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाजिया लाई खान जी और श्याला खान का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत से लेके ऋषि सोनक के बारे में और बांग्लादेश के जो हालात हैं उनको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।